हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 40 है। ओके, ये 40 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और इससे पहले 39 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, सभी को जरूर देख लीजिएगा। सभी में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपका एनटीपीसी एग्जाम के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में भी दोस्तों हम 40 शानदार एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि बहुत सारे डिफिकल्ट सवाल हैं, बहुत सारे करेंट अफेयर के सवाल हैं। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। यही सवाल दोस्तों आपके शिफ्ट में भी हूबहू पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और सभी सवाल को फुल डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल है, लोकसभा इलेक्शन 2019 में कितने प्रतिशत का मतदान हुआ है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बस कमेंट बॉक्स में बताइए, ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 67.11% का मतदान हुआ है इस बार के लोकसभा इलेक्शन में। और दोस्तों, 2014 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें 66.40% का मतदान हुआ था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, द सायद मुस्तफा अली ट्रॉफी 2019 किसने जीता। दोस्तों, एक क्रिकेट खेल से संबंधित है ये जो ट्रॉफी, क्रिकेट खेल से संबंधित है। सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटका ने जीता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, फ्री हिट पुस्तक, ओके, ये जो पुस्तक अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, सही आंसर क्या होगा बताइए। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुप्रीता दास। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों, इस पुस्तक का पूरा नाम है फ्री हिट द स्टोरी ऑफ वीमेन्स क्रिकेट इन इंडिया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल काफी महत्वपूर्ण है, पीएम नरेंद्र मोदी मूवी जो अभी हाल ही में मई 26 को रिलीज हुआ है, इस मूवी के निर्देशक कौन है, यानी इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, उमंग कुमार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ये पीएम नरेंद्र मोदी मूवी के डायरेक्टर हैं। और दोस्तों, इस मूवी के स्टोरी राइटर कौन है, अगर ये सवाल पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा संदीप सिंह। ओके, संदीप सिंह इस मूवी के स्टोरी राइटर हैं। और दोस्तों, आपको पता होगा नरेंद्र मोदी का किरदार इसमें किसने निभाया है, विवेक ओबेरॉय ने। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल काफी महत्वपूर्ण है, लोकसभा इलेक्शन 2019 में एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलियंस ने कितने सीट जीते, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, आपको पता होगा एनडीए में बीजेपी भी शामिल है, ओके, भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। सही आंसर होगा दोस्तों 353, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जिसमें से दोस्तों बीजेपी को यानी भारतीय जनता पार्टी को 303, ओके, 303 सीट मिले। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन में यूपीए, ओके, यूपीए ने कितने सीट जीते, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 91 सीट जीते। ओके, यूपीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलियंस, और इसके चेयरपर्सन कौन है, सोनिया गांधी, और इसमें कांग्रेस भी शामिल है जिसको कि 52 सीट मिले। ओके, 52 सीट मिले कांग्रेस को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, इसरो के चेयरपर्सन कौन है, सही आंसर होगा के सिवान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, बताइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रजनीश कुमार। और दोस्तों, ये भी जान लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में स्थित है। ओके, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। दोस्तों, चलिए अब कुछ सवाल डिस्कस करते हैं जो कि अभी हाल ही में हुए एग्जाम, जैसे कि आरपीएफ एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम, एलपी एग्जाम, सब में बार बार पूछे गए थे। दोस्तों, पहला सवाल है बीपीएलआर, इसका फुल फॉर्म क्या है, बताइए बीपीएलआर का फुल फॉर्म क्या है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ओके, बेंचमार्क प्राइस लैंडिंग रेट। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, इसको रट लीजिए, इस बार भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारत में कितने स्वर्ण क्षेत्र हैं, बताइए भारत में कितने स्वर्ण क्षेत्र हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, माफ करना ऑप्शन सी, ओके, 3 स्वर्ण क्षेत्र हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाले दोस्तों, मुरुगप्पा गोल्ड कप 21 खेल से जुड़ा हुआ है, ओके, इसके 21 खेल से संबंधित है मुरुगप्पा गोल्ड कप। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हॉकी खेल से संबंधित है। ओके, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाले दोस्तों, राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड 21 शहर में स्थित है, सही आंसर होगा हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए से आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल है, अभी हाल ही में एक मूवी आया था रॉ नाम से, ओके, रोमियो अक्टूबर वाल्टर इस तरह से, ओके, द रॉ फिल्म के निर्देशक कौन है, बताइए। सी आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रवि ग्रीवाल। ऑप्शन डी सी आंसर होगा इसका। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, अंग्रेजों ने किस साल पंजाब पर कब्जा कर लिया था, बताइए अंग्रेजों ने किस साल पंजाब पर कब्जा कर लिया था।
सी आंसर होगा दोस्तों 1849 को, ऑप्शन बी सी आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है शुद्धि आंदोलन, ओके शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे, बताइए सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है एक काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा ये कहाँ स्थित है, बताइए किस शहर में स्थित है बीबी का मकबरा। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी औरंगाबाद में स्थित है, ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों विज्ञान से भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है, बताइए भूमि हवा और समुद्री हवा किसके कारण होती है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ऑप्शन ए, ओके संवहन के कारण होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों मैग्नस कार्लसन, ओके मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, ओके किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहा जाता है, बताइए। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बग्याल कहा जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है दोस्तों 1793 में जमींदारी प्रणाली, ओके जमींदारी सिस्टम ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, बताइए किसके द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ओके ओ नेगेटिव, ओके इसको मैंने आंसर की से लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही आंसर है ओ नेगेटिव। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है किस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी, ओके बताइए। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ओके उस युद्ध का नाम है वाटरलू। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किस वर्ष में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था, बताइए किस वर्ष में। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1787, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों खलीफा, ओके खलीफा ये जो धार्मिक किताब है ये किस धर्म से संबंधित है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है, ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 1930 में जो चिंटगांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्यसेन, ओके ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यह सवाल इस बार के आरपीएफ एग्जाम में पूछा गया था, 2011 का पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता, काफी आसान सवाल है, सही आंसर हो जाएगा भारत, ओके ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए यूरोपियन यूनियन की जो मुद्रा क्या है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ओके यूरो, यूरो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बायोलॉजी से वंशानुक्रम की इकाई क्या होता है, ओके वंशानुक्रम का इकाई क्या होता है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जीन होता है, ओके। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है, बताइए किसमें सबसे अधिक गति से यात्रा करता है। सही आंसर होगा दोस्तों निर्वात, ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा बेल्ट, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है, बताइए काफी आसान सवाल है, हवा की नमी को किससे मापा जाता है। सही आंसर होगा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी सही आंसर है इसका हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कौन सा दिन को मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस एंड नेशनल स्पोर्ट्स डे। सही आंसर होगा दोस्तों अगस्त 29, ओके 29 अगस्त को मनाया जाता है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ओके इस उपन्यास किस देश से प्रेरित है, बताइए। आपको पता होगा इस उपन्यास के लेखक हैं अरुंधति रॉय, ओके यहाँ पे सवाल है ये किस देश से प्रेरित है, ओके। सही आंसर होगा दोस्तों भारत, ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में संगाई त्यौहार मनाया जाता है,
किस राज्य में? सही आंसर होगा दोस्तों मणिपुर में। ओके ऑप्शन बी सही आंसर है इसका, मणिपुर में। नेक्स्ट वाले दोस्तों, चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितने हड्डियां होती हैं? ओके ये सवाल भी एक दो बार इस बार पूछा गया था ग्रुप डी एग्जाम में। चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव के शरीर में कितने बोन्स होते हैं? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ओके 360, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ओके 360। नेक्स्ट वाले दोस्तों, तांजोर में जो बृहदेश्वर मंदिर है ये किस धर्म से संबंधित है? ओके तांजोर का बृहदेश्वर मंदिर ये किस धर्म से संबंधित है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ओके नायनमार। ओके ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की।